सभी का चैनल पे स्वागत है और आज का वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आप टेलीस्कोप यूज़र हो तो आपके पास ये जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए, या फिर आप टेलीस्कोप लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो जो टेलीस्कोप के साथ और भी एसेसरी आती है, जो प्राइमरी एसेसरी आती है 25 mm और 10 mm का आईपीस, उसका जो डिटेल वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। हम लोग जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के वीडियो के, उसके बारे में जानकारी लेती है। तो पहला जो हमारा एसेसरी है उसको बोलते हैं बार्लो, बार्लो लेंस बेसिकली। तो पीटर बार्लो जो एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से ही ये बार्लो लेंस फेमस हुआ है। तो बार्लो जो है, अगर आपको तो पता है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, कि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ रहेगा टेलीस्कोप का उतना ज़्यादा आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो सेम रूल को अप्लाई करते हुए बार्लो लेंसेज का यूज़ किया जाता है। बार्लो लेंसेज में क्या होता है, मैं बोलूँगा लेंस लगा होता है। तो वो लेंस क्या करता है कि आपका जो टेलीस्कोप है, या फिर आपका जो टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है, या फिर जो कुछ भी आप आईपीस यूज़ करने वाले, तो उसका फोकल लेंथ वो बढ़ा देता है। और जैसे ही उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, उसका मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है। तो सेम में फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए बार्लो लेंसेज का यूजेस किया जाता है। जस्ट लाइक मेरे पास एक 2x बार्लो है, मैं आपको दिखा देता हूँ 2x बार्लो। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बार्लो लेंस में, कि इसके आगे जो लेंस लगा है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हो। तो ये जो लेंस है और इसके साथ ये जो अटैचमेंट है, ये जो ट्यूब है, तो इन जो इसको जोड़ेंगे तो ये जो है मैग्निफिकेशन 2x कर देगा, क्योंकि ये डबल जो है बार्लो जो है 2x बार्लो है। तो अगर इसको, इसके ऊपर मैं कोई भी आईपीस जोड़ूंगा, तो सपोज करो मेरा मैग्निफिकेशन 100 है, तो इसको जोड़ने के बाद मेरा मैग्निफिकेशन 200x चला जाएगा, जो कि ये बार्लो लेंसेज का यूजेज जो है प्लानिटरी के लिए ज़्यादातर होता है, या फिर डीप स्काई में कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने को। मुझे सपोज करो 3x बार्लो में कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ एक एक्सटेंशन ट्यूब मैंने लिया था। तो ये एक्सटेंशन ट्यूब है और ये बार्लो, इसको मैं अभी जोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन ट्यूब को मैंने अभी जोड़ दिया है, और अभी ये मेरा 2x से 3x बार्लो हो गया है। तो एक्सटेंशन ट्यूब लगा के एक सर्टन डिस्टेंस या सर्टन mm का एक्सटेंशन ट्यूब जोड़ के इसको 3x बार्लो कर दिया, आप दोस्तों देख सकते हैं। तो इसका यूजेज जो है, मैं करता था प्लानिटरी फोटोग्राफी के लिए, आज भी मैं करता हूँ। DSLR अटैच करता हूँ, और आई एम प्लानिंग फॉर एक प्लानिटरी कैमरा लेने का सोच रहा हूँ, तो उसको भी इसके साथ अटैच कर सकता हूँ। 1 सवा इंच का इसका डायमीटर है, तो आप अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, देख सकते हो। बट लेना है तो अच्छा क्वालिटी की लेना, क्योंकि जब मैंने मेरा टेलीस्कोप लिया था तो कंपनी ने मुझे एक सस्ता क्वालिटी का 3x बार्लो लेंस दिया था। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सस्ता क्वालिटी वाला 3x बार्लो लेंस, प्लास्टिक में है, और इसका जो आईपीस, इसके अंदर जो लेंस है, आईपीस बोल रहा हूँ, जो लेंस है वो भी एकदम सस्ती क्वालिटी का है। बट अगर आप अच्छा क्वालिटी का लेते हो तो इनमें अच्छी एक, ये मेटल वाला होता है जनरली, ये मेटालिक बिल्ड होता है, और इनका जो लेंस होता है इसमें, तो कभी कभी इसमें डबल डबलेट भी आता है, तो और अच्छा क्रोमेटिक एब्रेशन कंट्रोल करता है, जो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि व्यूविंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, और इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, वो भी याद रखना। तो मैंने शायद एक 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास परचेज किया था, आई थिंक 8 9 साल पहले। तो अभी हम बात करते हैं सेकेंड जो एसेसरीज है, उसका नाम है फोकल रिड्यूसर। फोकल रिड्यूसर, या फिर उसको हम लोग टेली कंप्रेसर भी बोल सकते हैं, जैसे कि नाम के अकॉर्डिंग बार्लो जो होता है वो क्या करता है, हमारा मैग्निफिकेशन बढ़ा देता है। टेलीस्कोप का जो फोकल लेंथ है उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाता है। लेकिन जो फोकल रिड्यूसर जो चीज़ है, वो फोकल रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। जस्ट लाइक इसका उपयोग क्या है बताता हूँ। फोकल रिड्यूसर मेरे पास है, ये मेरा एक फोकल रिड्यूसर आप देख सकते हो। इसका कॉस्टिंग कुछ, आज ही मैंने बिल देखा, 3,000 आया आया था, मतलब साल भर हो गया इसको परचेज किए हुए। GSO का आप देख सकते हो, GSO कंपनी का है, और ये 0.5x
0.5x का, मतलब 0.5x, आधा एक्स कर देगा जो मेरा मैग्निफिकेशन है। सपोज कर लो मेरे टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन है अराउंड 100x, तो उसको 50x पे लेके आएगा, 50 50x पे ये फोकल रिड्यूसर लेके आएगा। इसके अंदर भी एक लेंस लगा उसका हुआ है। उपयोग क्या होगा, मेरे टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है काफ़ी ज़्यादा, 1900 mm, तो वो प्लैनेट के लिए बेस्ट है। बट मुझे सपोज कर लो क्लस्टर्स देखने, ओपन क्लस्टर्स देखने, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लस्टर्स के कुछ स्टार जो है यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, मुझे मेरे व्यू में नहीं दिखते, तो उसको वाइड फील्ड करने के लिए मैं ये फोकल रिड्यूसर यूज़ करता हूँ। आई होप करता हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव डेफिनेटली था। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसे करें या फिर उसके बारे में जानकारी, तो मैं जल्दी ही उसके ऊपर एक वीडियो ला रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।